आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव दत्ता का निधन। डॉक्टरों के मुताबिक हृदयघात से हुई मौत। अम्बाला मूल के रहने वाले श्री दत्ता विगत 2 वर्षों से जिला न्यायालय में थे कार्यरत। जिला सत्र न्यायाधीश संजीव दत्ता को देर शाम हार्ट अटैक के बाद गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव दत्ता 59 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम में जाते समय अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें हार्ट अटैक आया था। सही उनकी मौत की खबर गुना में लोगों को पता लगी, इसके बाद से जिला चिकित्सालय में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। खुश मिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व थे श्री दत्ता। सुबह से ही जिला सत्र न्यायाधीश को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उनके निवास पर जुड़ने लगे। श्री दत्ता के अंतिम दर्शन में पहुंचने वालों में विशेष तौर पर हाई कोर्ट जस्टिस एसके पालो सहित सभी लोअर कोर्ट के जज, विधायक, कलेक्टर, SP, नगरपालिका अध्यक्ष, SDM समस्त न्यायालय परिवार के साथ साथ शहर के सभी नागरिक थे। इसके बाद श्री दत्ता की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में जिला सत्र न्यायालय के जज व कर्मचारी और न्यायालय के सभी वकील शामिल हुए। वहीं जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डीजियाना परिवार की तरफ से हम श्री दत्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ, मेन रोड पे छांव पे लगा लेंगे बरगद का पेड़। एक मिनट भाई साहब, बाबूजी बाबूजी सर है। अपन भी आ रहे हैं, बहुत हैं। लो सर, सर हो गया, हो गया। लाल वाली
जल्दी करिए सर, जल्दी करिए सर। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा दिया गया ज्ञापन। अखिल भारतीय धोबी महासंघ एवं प्रदेश संयुक्त कोर कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय धोबी महासंघ एवं प्रदेश संयुक्त कोर कमेटी के तत्वाधान में कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में रजक धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। ज्ञात रहे कि अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। इसी क्रम में कल गुना में बाबा साहब की प्रतिमा को एक ज्ञापन दिया गया एवं सरकार की बुद्ध की कामना भी की गई। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण एवं समाज बंधु मौजूद थे। विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की रजक धोबी जाति को भोपाल, सीहोर, रायसेन तीन जिलों में अधिसूचित जाति अनुसूचित जाति में अधिसूचित किया गया है तथा अन्य शेष मध्य प्रदेश के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में रजक धोबी जाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति एक समान है एवं वर्ष 2004 में राज्य मंत्री परिषद की राजनीतिक मामलों की समिति ने भी इस आशय की अनुशंसा की है, लेकिन इस संबंध में प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित किया। इसके तहत भारत के महाराष्ट्र ने इसे संपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण प्रकरण मानकर वापस मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित कर दिया था तथा उन्होंने भी यह सही जानकारी के तहत अनुमोदन की मांग की। इस संबंध में दिनांक 13 मार्च 2018 को विधानसभा में सदन में कांग्रेस के विधायक श्री रामनिवास रावत जी द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न क्रमांक 1758 का उत्तर का जवाब देते हुए सदन में उपस्थित राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर जी ने सदन में स्वीकार किया। यह रजक धोबी जाति के संबंध में भारत सरकार को भेजी गई जानकारी विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बिना अधूरी के साथ प्रेषित की गई थी तथा उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि वह पुनः रजक धोबी समाज के पक्ष में संपूर्ण जानकारी 2 माह के अंदर भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। आज दिनांक 14 अप्रैल 2018 तक की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई पूरे जिले यह आशंका संपूर्ण रजक धोबी जाति के लोगों में उत्पन्न हो गई है कि पूर्व की भांति माननीय मुख्यमंत्री पतंजलि योग शिविर द्वारा किया जा रहा योग शिविर का आयोजन। इस आयोजन में लोगों को योग के बारे में जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस शिविर में योग के साथ साथ जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया गया। इसके साथ साथ किस तरह से हम अपने आसपास उग रहे पौधों से निरोग प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और पीछे से ले लो, थोड़ा हाथों में ऐसी डंडी लेके ये पुराना चाहिए और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हां आ जाओ बहन जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ सर। अभी आ जाओ ना यार, क्या बात है, आना चाहिए। गमले में लगा लेना, आप फूल निकलता है बता दो। गलोए अमृता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और ये हर काम में आती है। ये तो इसका और अभी डिटेल से क्लास में भी सभी को बताएंगे। अच्छा, इसके सेवन क्या उबाल के कैसे काढ़ा बना के भी कर सकते हैं। सीधे चबा लो और इसके डंठल हैं उनको थूक दो, बाद में इसका रस ले लो। या लोग जैसे रेडीमेड अब लोग बाग नहीं उपयोग कर पाते तो गोलियां भी आती हैं, काढ़ा भी आ गया, या इसका जूस भी आता है तो उसको भी ले सकते हो आप। गिलोय से चिकनगुनिया, कई जो वायरस फीवर और जो मौसम चेंज होता है एंटीजन जिसको अपन बोलते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा रूपांतर है। अमृता यानी कि एक जीवन देने वाली है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। क्या कुल मिला के अगर जो व्यक्ति ग्लोए का प्रयोग करता रहेगा तो ये समझो कि उसको 100 साल तक जाना है। जाने का तात्पर्य ये है, कभी भूकंप आ गया, कोई बात हो गई, अकाल है, वो बात अलग है, लेकिन आदमी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो फिर सारे जीवन में अपने परिवार में राष्ट्र के लिए देश के लिए सारा काम कर पाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ग्लोए एक्चुअली एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है
जिनको सुबह उठ के छींके होता है, जुखाम बना रहता है, दिन भर जुखाम बना रहता है, अगर रोजाना गिलोय कड़ा बना के पिए तो ये खत्म हो जाते हैं। इस टाइप का गिलोय बहुत ही लाभकारी है। तो पर डे सेवन करना, पर डे सेवन करना चाहिए, पर डे सेवन करना चाहिए। खाली पेट, सुबह सुबह उठ के खाली पेट थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, चार पांच टुकड़ा करके कूट के दो गिलास पानी में उबालना है, उबाल के जब आधा गिलास से कम रह जाए छन के खाली पेट पीना है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किया युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन। युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में खास बात यह रही कि यहां बड़ी संख्या में युवक युवतियों के साथ साथ विधवा विधुर एवं दिव्यांगों ने भी भाग लिया। इस आयोजन में उन सभी लोगों को अभी सम्मान किया गया जिनकी शादी को 50 वर्ष हो चुके हैं। इस मौके पर राधोगढ़ विधायक जवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक जवर्धन सिंह ने युवाओं को आगे आकर काम करने की नसीहत भी दी। हमारे गुना शहर के बहुत ही कर्मठ नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेश रोजा जी, हमारे आज के कार्यक्रम के और कायस्थ समाज के गुना जिले के सबसे वरिष्ठ, हम सबके बहुत ही सम्मानीय आदरणीय विष्णु साधी साहब, हमारे मंच पे विराजे आदरणीय माथुर साहब, कायस्थ समाज जिला गुना के अध्यक्ष आदरणीय रंगेश श्रीवास्तव जी, आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्री भटनागर साहब और साथ में हमारे समाज के कार्यकर्मी में आदरणीय उपाध्यक्ष जी ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय दीपक सक्सेना जी, अतुल श्रीवास्तव जी, नरेंद्र माथुर जी का तो कोषाध्यक्ष आप ही है हो गया है, और साथ में मनीष श्रीवास्तव जी, और विशेषकर यहाँ पर हमारे परिवार से बहुत सालों से जुड़े हुए आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी, हमारे आरोन के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, और जो हमारा आरोन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का पूरा काम आज भी देखते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, और भी हमारे समाज के यहाँ उपस्थित गुना से पुरारे हमारे सभी कार्यकर्ता। जब हम बात करते हैं कार्य समाज की, सबसे पहले मन में आता है कि वो समाज जो सबसे व्यवसायिक रहता है, वह समाज जो हमेशा अनुशंसा का पालन करता है, वह समाज जो हमेशा संगठित रहता है। हमारे रावगढ़ के नीचे नालापुरा जो हमारा एक क्षेत्र कॉलोनी कहलाती है, वहां से बल्लभ जी श्रीवास्तव है जो लगभग 95 साल के हैं, और हर सुबह वो चल के आते हैं किला घाटी पे और मेरे साथ बैठते हैं, और उन्होंने 3 किताबें रखी है, एक मेरे लिए, एक मेरे श्रीमत जी के लिए, मेरे बेटे के लिए, और मुझसे कहते हैं राम लेखो 10 बार, और वो मुझे कहते हैं कि मैं इनके माता पिता दोनों ही देव योग से स्वर्गवासी हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही पूर्ण है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, और एक अच्छे सभ्रांत परिवार से संबंध रखते हैं। होना ना होना ये तो विधि के बाद में निर्णय, परंतु हमें अपने योग बनाते रहना चाहिए, और मैंने इसके लिए कोशिश की। धन्यवाद सभी आयोजकों का और आप सबका जिन्होंने मुझे। चलिए बल्लभ श्रीवास्तव जी का बायोडेटा एक बार आपके सामने पूछा, मैं पढ़ रही हूँ। आपका जन्म दिनांक है 5 अप्रैल 1990, सुबह 4:05। रिलायंस एडवर्टाइजर है, ये HDFC बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। आपकी हाइट है 5 फुट 10 इंच। पिता का नाम श्री हरिशंकर श्रीवास्तव है, गोत्र बनेरिया। दो
गुटों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर आज एक की मौत। राधोगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले जंजाली में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। मृतक के रिश्तेदारों की माने तो उनका गुर्जर समुदाय की पुरानी रंजिश चली आ रही थी। वहीं जब आज मृतक और उसके साथी मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे थे, तब दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर कर उनके साथ मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों ही पक्षों के करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। वहीं एक की मौत भी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। ये राघोगढ़ क्षेत्र में आज 2:30 बजे के आसपास की घटना है। पंजरपुरा है पीसागुन में, वहाँ इसका फरियादी का कहना है कि 5-7 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है और उसके सिर में काफ़ी बड़े घाव हैं, धारदार हथियार जैसे घाव हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। मैंने अभी अस्पताल में बॉडी को देखा है। सर किस चीज़ से मारपीट हुई है? ये कोई धारदार हथियार, भारी धारदार हथियार घाव हथियार होगा, जिससे काफ़ी बड़े लंबे घाव बने हुए हैं शॉर्ट कट के। तो दो घाव हैं जिनसे उसकी डेथ हुई है, काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। और ये झगड़ा किन कारणों से हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी अभी जाँच बताएं। घटना ऐसा हुआ, 15-20 गुर्जरों ने मिलकर फर्सी चलाई सीधी। अच्छा। उन्हें पकड़ कर जब मारा है और सीधी फर्सी सिर में मारी, 15-20 आदमी ने मिलकर मारा। किस बात का विवाद था? कुछ बात नहीं, वो क्या पुरानी रंजिश भी थी उसमें, और कुछ उन मछलियां पकड़ने जा रहे थे तो मछलियां रास्ते में वो घेरा बांधे हुए थे गुर्जर। अच्छा। जो गुर्जर हैं साकुना के वो। तो मतलब क्या रंजिश थी पुरानी? पुरानी रंजिश ये थी कि उन्होंने पहले, मतलब उन्होंने पहले गाली गलौच भी हुई थी मच्छी मारने आए तो इसलिए। और ये कौन से थाने का मामला? ये रावगढ़ थाना है, तो चौकी जंजाली। आरोन में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को लग रहा पलीता। गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बीमारियों से होना पड़ता है रूबरू। हम बात कर रहे हैं आरोन ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाटन के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में उड़ाई जा रही स्वच्छता अभियान की धज्जियों की। इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक ओर सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहीं इस गांव में खुलेआम स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासकीय शाला के आसपास गंदगी का मर लगा है, जहां देखो वहां गंदगी ही गंदगी नजर आती है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बीमारियों से जूझना पड़ता है। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा इन मासूमों पर बना हुआ है। अधिकारियों की मौन स्वीकृति इस शाला के अध्यापकों के साथ साथ है, ऐसी प्रतीत होती है। अगर इसी तरह बच्चे गंदगी में भरते रहेंगे तो उनको होने वाली बीमारियों का जिम्मेदार कौन होगा? इस गाँव के सरपंच सचिव भी स्वच्छता अभियान पर ध्यान नहीं दे रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्र सरगवंशी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।